Hello everyone, today we will start our second part of the chapter, Glimpses of the Past. So we will start with operation, theek hai? From 1765 to 1835. So here operation means दबाव बनाना, किस तरीके से अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी लोगों पर अपना दबाव बनाया. So but the British continued to oppress Indians, ठीक है, वो कंटिन्यू करते रहे उन पर दबाव बनाना. In 1818 they had passed regulation 3rd, under it an Indian could be jailed without trial in a court, ठीक है. तो उन्होंने एक रूल बनाया 1818 में जिसके तहत जो इंडियंस थे वो बिना किसी उनको बिना किसी ट्रायल के, मतलब बिना किसी मौके के उन्हें जेल में डाल दिया जाता था और उन्हें कोई बोलने का मौका नहीं दिया जाता था. ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस. और इस पूरे समय में जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत अच्छी कमाई कर रहे थे एंड अपना फॉर्चून बना रहे थे, अपनी किस्मत बना रहे थे प्राइवेट बिजनेसेस में. By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crores rupees to India. और 1829 तक ब्रिटेन ने इंडिया में जो एक्सपोर्ट गुड्स किए थे दैट इज 7 करोड़ रुपीस तक उन्होंने इंडिया में गुड्स एक्सपोर्ट किए थे. द ब्रिटिश प्रपोज प्रिपेयर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई. जब तक ब्रिटिश अपना किसी तरीके से अपना कंपनी या कंपनी जो इंडियंस मार्केट था उसे लूट रही थी और वहीं जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे करके अपना दम तोड़ रही थी. इवन कि गवर्नर जनरल बैंट्रिक रिपोर्टेड बैक होम, ठीक है, उस टाइम के गवर्नर जनरल थे इंडिया के जिनका नाम था बैंट्रिक, जनरल बैंट्रिक, उन्होंने जो ब्रिटेन में अपने बैक होम में उन्होंने ये बोला, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीच द प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है. इसका मतलब ये है कि जो आम जनता थी या आम जो इंडस्ट्रीज़ थी वो इतना, लोग इतना कमज़ोर हो चुके थे कि उन्होंने क्या है, ब्रिटेन ने वहाँ पे कॉटन वीवर्स प्लांट करना, जो प्लेन ऑफ इंडिया था, ज़मीन थी, वहाँ पे उन्होंने कॉटन के वीवर्स स्टार्ट कर दिए थे, मतलब पूरा ब्लीच कर दिया था कॉटन, क्योंकि सफ़ेद होता है, ठीक है, तो उन्होंने पूरा ब्लीच करना स्टार्ट कर दिया था. नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ इज़ डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है. तो मतलब यहाँ पे क्या है, 1835 टू 56 तक इंडिया के लोगों के बीच में होना शुरू हो गया था. एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत. इन 1835 अ इंग्लिश मैन नेम्ड मैकले सजेस्टेड अ चेंज, ठीक है. एजुकेशन जो इंडिया में होती थी वो पर्शियन लैंग्वेज में या फिर संस्कृत लैंग्वेज में होती थी, लेकिन 1835 तक आते आते जो एक इंग्लिश मैन थे मैकले, ठीक है, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंग्लिश में होना चाहिए. वी शुड टीच द नेटिव स्टूडेंट, जो वहाँ के लोग हैं उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में समझाना चाहिए ताकि जो एक्टिविटी होती है उनके बीच में, जो काम होते हैं और जो ब्रिटिश से प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, सामान आता है, वो लेन देन करते समय आसानी हो सके. और जो दूसरा ब्रिटिश है, देखिए, वो बोल रहा है आई एग्री, कि मैं सहमत हूँ. इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू हूम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम, ठीक है. इंग्लिश जो एजुकेशन प्रोड्यूस्ड, इंग्लिश जब पढ़ाना स्टार्ट हुआ तो उसकी वजह से बहुत सारे क्लर्क्स की जो वैकेंसीज होती थी, ठीक है, उसमें भारतीयों को रखा जाता था क्योंकि वो सबसे लोअर लेवल की जॉब्स होती थी और उन्हें दयालु की पेटी जॉब्स के लिए, क्योंकि उसे पेटी माना जाता था, ठीक है, तो उसमें इंडियंस को रखा गया. इंसिडेंटली इट आल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है. तो इंसिडेंटली यहाँ पे मतलब है कि फॉर्चुनेटली, किस्मत से, लकीली, ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज आई और लोगों ने सीखी, उसकी वजह से बहुत सारे बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स मतलब बुद्धिजीवी
सामने आए. ठीक है, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स. देखो इन ये लोग बैठे हुए हैं, उनमें से एक बोल रहा है कि हमें अपने ब्रदर्स को भी एजुकेट करना चाहिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और जो उनकी नॉर्मल कंडीशन है उसकी वजह से वो सही हो जाएंगे. फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है, क्योंकि वो अब इंग्लिश सीख चुके थे तो वो अपनी बात ब्रिटिशर्स के सामने रख सकते थे, और इसकी वजह से जो भी उनको ग्रीवियंसेस, मतलब जो दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो ब्रिटिश के पार्लियामेंट में पुट कर सकते थे. तो आप ये मैप देख सकते हैं जहाँ पे 1856 द ब्रिटिश हैड कंक्वर्ड द होल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो पिंक कलर है वो ब्रिटिश एरिया ने पूरा कवर कर लिया है, कब्ज़ा कर लिया है, और जो आपका येलो कलर है वो स्टिल देर आर रूलिंग बाई किंग्स. आगे पढ़ते हैं, दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस. ऑब्वियसली बात है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत कम केयर करते थे इंडियंस की. अब यहाँ पे लोगों के बीच में क्या बात हो रही है, दैट इज़ आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स. ठीक है, तो यहाँ पे एक आदमी बोल रहा है कि जो हमारे किंग हैं वो उनके पपेट बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं, और हम अपने जो जॉब्स हैं वो खो बैठे हैं. एंड लैंड्स, ठीक है, और ज़मीन, दे आर कन्वर्टिंग, है कि वो हमारे ब्रदर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब जो मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, उन्हें वो पर्शियन या क्रिश्चियंस बना रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे एक बोल रहे हैं, यू ओनली टॉक टू सकते हो, कुछ ऐसा करो कि हम उन्हें यहाँ से भगा सकें. देन है जो सेवन्थ है आपका पोर्शन, इसमें है द स्पार्क्स, मतलब स्पार्क्स यहाँ पे बोला गया है जो चिंगारी कहाँ से फैली है, 1855 से 57 के बीच में. सो जो पहला स्पार्क था, ये जो पहली चिंगारी थी, वो थी टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स इन बंगाल. द सिंथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल बिकेम डेस्परेट. तो टैक्सेस ने, जो टैक्सेस लगाया गया था उसकी वजह से जो बहुत फार्मर्स थे, ठीक है, वो एकदम टूट चुके थे इन बंगाल. लेकिन बंगाल में सिंथाल्स थे, वो भी अपने जो लैंड है वो खो बैठे थे बिकॉज ऑफ न्यू रूल बना लिया था ब्रिटिशर्स ने. इन 1855 दे रोज इन रेबिलियन एंड मस्केड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक. लेकिन 1855 में क्योंकि वो इतना तंग आ चुके थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स से, क्योंकि न्यू रूल के अकॉर्डिंग उनकी जो ज़मीन थी उनके हाथ से जा रही, 1855 में वो एकजुट हुए, ठीक है, और उन्होंने काफ़ी यूरोपियंस की हत्या कर दी. मस्कैड मतलब हत्या करना, ठीक है, किल करना. एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक. देन डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू. ठीक है, डिसकंटेंट मतलब इसकी वजह से उनके अंदर भी बोल सकते हैं आपकी वॉज ब्रूइंग. ब्रूइंग मतलब होता है नॉर्मली शराब बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि किस तरीके से असंतोष फैल गया. ठीक है, डिसकंटेंट मतलब आप बोल सकते हो असंतोष, और ब्रूइंग यहाँ पे मतलब है फैलना. ठीक है, इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे मैंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स. ठीक है, यहाँ पे देखो जो लोग हैं भारतीय मूल के, वो बोल रहे हैं कि जो वाइट सोल्जर्स हैं उन्हें बड़ी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, रहने के लिए घर मिलता है, मैंशंस मिलते हैं, एज वेल एज सर्वेंट्स मिलते हैं. वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस. ठीक है, हमें कम सैलरी मिलती है और धीरे धीरे हमारी प्रमोशन इतनी जल्दी नहीं होती. द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आर रिलीजन हु इज एज ओल्ड कस्टम्स. ठीक है, तो अंग्रेज़, यहाँ पे एक आदमी बोल रहा है कि जो अंग्रेज़ है वो हमें जो समुद्र है उसे पार करने के लिए बोलते हैं, जो कि ये हमारे रिलीजन के अगेंस्ट हैं. और ये टोपी वाले कौन होते हैं, हमारे जो कस्टम्स है, जो हमारी पहले से आती हुई रीतियाँ हैं उसे ख़त्म करने वाले. वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें इन्हें किसी ना किसी तरीके से यहाँ से भगाना है. सीपॉय मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड. तो जो मंगल पांडे, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, उन्होंने अपने एडजुटेंट मतलब अपने ही रेजिमेंट के एक आदमी की अटैक किया था, एक आदमी पे, जिसकी वजह से उन्हें एग्जीक्यूटेड मतलब उन्हें मार दिया गया. Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniforms. ठीक है, और इसी वजह से बहुत सारे जो sepoys थे, other sepoys थे, मतलब सिपाही थे उस time Indians, वो उन्होंने revolt करना, विरोध करना शुरू किया. And
जिसकी वजह से उन्हें उनके जो यूनिफॉर्म थी वो वापस ले ली गई, जो उनका रैंक था या जॉब थी वो वापस ले ली गई। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स, उन्हें उनकी बेइज्जती की गई और उन्हें लोहों में जकड़ा गया, जंजीरों में जकड़ा गया। Few Englishmen had care to understand Indian customs or the people's mind. ठीक है, तो बहुत कम Englishmen थे जो लोगों की, जो इंडियन लोगों का माइंडसेट था या जो रीतियाँ थी उनको वो समझते थे। यहाँ पे देखिए, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक आदमी बोल रहा है कि ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, एक ब्राह्मण है जो कि सोल्जर है या सीपॉय है ब्रिटिशर्स में, ब्रिटिश आर्मी में, वो बोल रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि जो बुलेट है, ठीक है, तो उस बुलेट को चलाने से पहले उसका जो ग्रीस है वो अपने मुंह से निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो ग्रीस है वो काउज ऑन पिक्स की चमड़ी से बनी हुई है। तो यहाँ पे जो होता है व्हाट, ठीक है, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। ठीक है, तो जो सफ़ेद आदमी है या जो गोरे आदमी है उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया है। ठीक है, Soon chapatis were sent from village to tell the people that their emperor food service. और बहुत ही जल्दी जो चपातीस थी वो एक विलेज से दूसरे विलेज भेजी जाती थी ताकि वो ये बता सके कि तुम्हारी जो ज़रूरत है वो हमारे एम्परर, मतलब हमारे किंग को तुम्हारी, तुम्हारे विलेज और तुम्हारे लोग में, जो लोग विलेज में रह रहे हैं उनकी ज़रूरत है लड़ाई में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आदमी पास कर रहा है चपाती और दूसरा उसको क्या बोल रहा है, येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, कि मेरे सारे जो विलेज मैन हैं वो लड़ने के लिए तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और बहुत जल्द ही लोटस फ्लावर्स भी सर्कुलेट, मतलब एक ट्रांसफ़र होना या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना शुरू हो गया इंडियन सोल्जर्स में। डेथ टू द फॉरनर्स, ठीक है, और क्या बोला जाने लग गया कि अब फॉरनर्स की डेथ होगी ही होगी। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, ठीक है, और पूरी तरीके से हेल्प दी गई उन्हें, जो भी शेल्टर्स था पैट्रियट, जो देशभक्त थे उन्हें वो सारी सुविधाएँ दी गई। जो आपका 8th पोर्शन है दैट इज़ रिवोल्ट, रिवोल्ट मतलब विरोध, जो कि 1857 में स्टार्ट हुआ। देन देर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, ठीक है, एक बहुत ही वायलेंट, मतलब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हुआ हो, वो मार्च टू दिल्ली, और जो सीपॉयज थे, सिपाही थे, वो दिल्ली की तरफ मार्च किया उन्होंने, और उनका नारा था, उनका बोलना था लॉन्ग लिव आर एम्परर बहादुर शाह, ठीक है, कि हमारे जो बहादुर शाह हैं वही हमारी हिफाजत कर सकते हैं। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, और जो विरोध था वो बहुत ज़्यादा फैल चुका था। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोल्ड, ठीक है, जो बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, उनका जो लैंड था वो उनके हाथ से निकल चुका था, और जो क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसी ऐसी बनाई गई थी और वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, दे वर सोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होना। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, तो वो उनके बीच में क्या बातें होने लगे कि जो गोरे लोग हैं उनका जो रूल है वो ख़त्म होना चाहिए। येस वी विल हेल्प यू, तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो भी उनकी हेल्प में, उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए। जो लास्ट पोर्शन है आपका वो है द फाइट फॉर फ्रीडम, तो किस तरीके से फ़ाइट हुई फ्रीडम की तरह, फ्रीडम के लिए किस तरीके से फ़ाइट हुई, दैट इज़ 1857 से। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, ठीक है, किस तरीके से बेगम हजरत महल सामने आई, द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, और यहाँ पे वो बोल रही हैं कि जो गोरे लोग हैं उन्होंने मेरा जो किंगडम है, राज्य है, वो हड़प लिया है। दे ज्वाइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर्स, ठीक है, और उन्होंने फॉरनर्स के जो भी ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट लड़ना शुरू कर दिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, ठीक है, ये लोगों को गैदर करके बोल रहे हैं जो लीडर हैं, राइज ब्रदर राइज द अंग्रेज इज रूनिंग आर लैंड, कि जो अंग्रेज़ हैं वो हमारी जो धरती है उसे बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद, और जो पीपल थे, लोग थे, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया बरेली से, कानपुर से, इलाहाबाद से, ठीक है। देन
अजीमुल्ला खान टोल तात्या तोपे, यहाँ पे अजीमुल्ला खान तात्या तोपे से बोल रहे हैं, विश हैव पेशवा नाना साहेब एज आ लीडर इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, के हमारे इस इंडिपेंडेंस की लड़ाई में, ठीक है, हमारा जो लीडर है वो पेशवा नाना साहेब होना चाहिए. द पैट्रियट्स पाउंस अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया. तो जितने भी पैट्रियट्स थे, जितने भी देशभक्त थे, उन्होंने जो ब्रिटिश है उस पर जंप करते हुए बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, ठीक है, जो कि नॉर्थ इंडिया में हुआ था. लास्ट में आप देख सकते हैं 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट. जो 80 साल के कुंवर सिंह थे, उन्होंने जो ब्रिटिशर्स की बुलेट थी वो अपने हाथ पे ली, ठीक है, मतलब उनके हाथ पे लगी, और इसकी वजह से उन्हें अपना जो हाथ था वो काटना पड़ा. और काटते समय उन्होंने बोला, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये मेरी लास्ट आहुति है तुम्हारे लिए, ठीक है. तो ये बात थी हमारे जो ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट चैप्टर की, कि किस तरीके से लोगों के बीच में एक तरीके से रिवॉल्व स्टार्ट हुआ और हमारे इंडिपेंडेंस की तरफ लेके गया. तो ये लिखा गया है फ्रॉम आर फ्रीडम मूवमेंट, एस डी सावंत. थैंक यू एवरीवन.